Hello everyone, welcome to my channel Crack Right Information. Today we will discuss posology, that is very important for competitive exam as well as for theoretical portion. उससे पहले I want to say few words. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन. यहाँ पे फार्मेसी की न्यूज़ जो जितनी भी रिसेंट न्यूज़ हैं आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे और कुछ और भी मैं इसमें स्पेशल लेके आने वाली हूँ बहुत जल्दी. तो फार्मेसी के जितने भी नोट्स हैं लेक्चर हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो. ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द मीनिंग ऑफ पोजोलॉजी. इट्स द वर्ड पोजोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोजोस मीन्स हाउ मच, मतलब कितना, एंड logos means science. So it is a study of science that will deal with the how dose of the drug, how much dose needed for the patient, and dose or doses we can say that. So it's a simply meaning ki how much mean posos means how much and logi means science. So it's a definition like this. Posology is a branch of medical science. It's a just a medical science branch, so that's why it's a branch of medical science which deal with the dose or quantity. Dose means kitni quantity, dose or quantity means same. Dose means kitni quantity chahiye drug ki. Quantity of drug which can be administered, jo ki hum matlab administer karte hain, matlab lete nigalna, administer hota hai nigalna, medicine ko lena, kis way se administer kar rahe ho, to a patient to get the desired pharmacological एक्शन. ठीक है, पेशेंट को ताकि उसका जो डिज़ायर हमें रिस्पॉन्स चाहिए फार्माकोलॉजिकल, जैसे किसी की हेडेक हो रही है या किसी की पेन हो रही है तो उस अकॉर्डिंगली उसको मेडिसिन लेनी पड़ती है. तो वो डोज और क्वांटिटी कितनी लेनी है वो सारी टर्म किस में इंक्लूड है, पोजोलॉजी में. तो जितने भी हम कैलकुलेशन करेंगे कि कितनी डोज देनी चाहिए, कितनी डोज और डोजेस देनी चाहिए पेशेंट को, वो हम इसमें पोजोलॉजी में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो थर्ड डेफिनेशन इसकी एक और डेफिनेशन बन जाती है. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द डोज ऑफ अ ड्रग. द क्लोज डोज ऑफ अ ड्रग इज द क्वांटिटी नेसेसरी टू प्रोड्यूस सर्टेन मेजरेबल बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉडी. यहाँ पे ये रिपीट हुआ है वर्ड, सॉरी फॉर दिस एरर. डोज ऑफ अ ड्रग, ठीक है, तो यहाँ पे मैं काट देती हूँ. तो दिस इज डेफिनेशन. इट इज ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द डोज ऑफ अ ड्रग. ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है डोज ऑफ ड्रग इन द क्वांटिटी, जो जिसमें इज द क्वांटिटी, जो कि क्वांटिटी जो हमें ज़रूरत होती है, जितना हमें रिजल्ट चाहिए हमारी बॉडी में, जितने भी चेंजेस आए फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस आए, उसको हम ऑफकोर्स मेजर करके ही सजेस्ट करेंगे कि इतनी क्वांटिटी लो. जैसे आप सपोज आपने जब चाय पीते हो तो आपको चाहिए था ना इतनी क्वांटिटी शुगर की डालनी, इतनी हमने चाय पत्ती की डालनी, तभी आप चाय पी पाते हो ना, तो अच्छी बन पाती है. तो ऐसे ही हमारी डोज जो है, अगर हमें उसका रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, अगर आप चाय की जगह जस्ट मिल्क ही ले लो तो क्या उसका रिस्पॉन्स मिलेगा? वो नहीं मिलेगा. इसलिए इसमें हाउ मच क्वान्टिटी वो नीडेड फॉर द पेशेंट, तो इसको मेजर करके ही हम जो अपनी जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो हमारी मेडिसिन होती हैं फॉर्मुलेशन उसका रेडी करते हैं. ठीक है, नाउ मूविंग इनटू नेक्स्ट पार्ट. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ डोज एंड डोसेस, इसका हम डिफरेंस जान लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूँ आपको कि जो पोजोलॉजी है टर्म, इसको एक्सप्रेस किया जाता है वेट, यूनिट एंड वॉल्यूम से. ठीक है, ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किससे एक्सप्रेस किया जाता है, तो वेट, यूनिट एंड वॉल्यूम. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डोज एंड डोसेस. सो डोज का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, डोज का मतलब है क्वांटिटी, मींस कितनी अमाउंट जो है आपको चाहिए. जैसे सपोज एग्जांपल है डिक्लोफेनाक, जो पोटाशियम है, आपने 50 mg टेबलेट है. ठीक है, 50 mg क्या हुआ उसकी क्वान्टिटी, अब ये उसकी डोज होगी. अब डोसेस क्या है? वो वही डिक्लोफेनाक ही 50 mg जो है, आपने कितने टाइम लेनी है ड्रग को, मतलब थ्राइस अ डे तीन बार लेनी है, ट्वाइस अ डे दो बार लेनी है, जस्ट सिंगल डोज लेनी है, तो उसके उसको बोलते हैं हम डोसेस.
ठीक है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डोज एंड डोसेस. डोज इज अ सिंपली एन अमाउंट एंड और क्वांटिटी ऑफ द मेडिकेशन विच इज एडमिनिस्टर्ड एट वन स्पेसिफिक टाइम. एग्जाम्पल डिक्लोफिनेक 50 mg टैबलेट और डोसेस. इट इज़ द साइज और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डोज. मीन्स फ्रीक्वेंसी मीन्स कितने टाइम पीरियड तक लेनी है जग ऑफ अ मेडिसिन और ड्रग. एग्जाम्पल अ डोसेस ऑफ डिक्लोफिनेक पोटाशियम 50 mg थ्राइस अ डे. तो ये 50 mg प्लस थ्राइस अ डे क्या हुआ हमारी डोजेस. ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगी होगी डेफिनेशन. साथ साथ में अपने स्क्रीनशॉट लेते जाना है इनके, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो फर्दर. नेक्स्ट है हमारा, अब बात करते हैं डोसेस की. बात आ रही है तो हम देख लेते हैं कि हमारी डोज जो है कितनी हमारी इफ़ेक्टिव है और कितनी हमारी ड्रग वेस्ट होती है और कितनी हमारी ड्रग जो एक्शन अच्छा देती है और बुरा देती है, मतलब कितने उसके साइड इफ़ेक्ट होने चाहिए वो हम चेक करते हैं. वो उसका पैरामीटर है थेरापेटिक इंडेक्स. थेरापेटिक इंडेक्स एक्चुअल में है क्या, इसको हम, ये एक टर्म है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी जो हमारी लीथल डोज रेशो टू द इफेक्टिव डोज. मींस कि कितनी जो डोज है हमारी लीथल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है एनिमल में. देखो लीथल इफेक्ट जो डेथ का इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ हम एनिमल में चेक कर सकते हैं, है ना. ह्यूमन बीइंग में सिर्फ और सिर्फ हम जो थेरापेटिक इफेक्ट है वही चेक कर सकते हैं, मतलब जो ट्रीटमेंट का इफेक्ट आता है उसका वही हम चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें हम जो लीथल डोज है वो किस में लेंगे, हम जो हमारा एनिमल्स होंगे उनमें. तो इसका थेरापेटिक इंडेक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने जैसे आपको क्लियर किया है ये डेफिनेशन कि इट इज़ द रेशियो ऑफ डोज दैट प्रोड्यूस लीथल इफेक्ट. लीथल इफेक्ट अगर 50% उसका आता है तो उसको डिवाइड करें हम जो डोज इफेक्टिव डोज प्रोड्यूस करती है 50% इफेक्ट. ठीक है, तो उन हमें क्या मिल जाएगी, जो हमें क्वांटिटी मिलेगी मेडिसिन वो हमारी जो होगी हमारी डोज की थेरापेटिक इंडेक्स होगा. ठीक है, तो हमें ये क्यों चेक करनी है, ऑफ कोर्स चेक करनी है. अगर आप मेडिसिन बनाते हो तो आप देखोगे कि कितने एनिमल्स किल हो रहे हैं. अगर किल हो रहे हैं वो उनका साइड इफेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है तो आप वो मेडिसिन नहीं आगे फर्दर ट्रायल में नहीं पास करवाओगे, क्योंकि वो ह्यूमन बींग के लिए भी ख़तरनाक हो सकती है. ठीक है, वो इसलिए हमें जो ये थेरापेटिक इंडेक्स जो है बहुत ज़रूरी होता है इसको कैलकुलेट करना. ठीक है, तो इसका हमें सिंपल मीनिंग में लीथल डोज और इफेक्टिव डोज का हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए. ये आपको समझ आ गया, ये लीथल डोज हमेशा लीथल डोज 50%, यहाँ पे परसेंट भी लगा सकते हो आप, 50% जो है एनिमल्स में डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डोज 50%. यहाँ पे जो लीथल नहीं आएगा ह्यूमन बींग के लिए, ह्यूमन बींग के लिए आएगा थेरापेटिक इंडेक्स और इसका आएगा जो हमारा ह्यूमन बींग में जो थेरापेटिक ट्रीटमेंट इफेक्ट जो आता है. ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे चेक करेंगे लीथल डोज का. लीथल डोज को हम मीडियन लीथल डोज भी बोलते हैं. यहाँ पे इसको इसका कॉम्पिटिटिव में आता है क्वेश्चन कि मीडियन लीथल डोज क्या होती है, तो आप बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं. जो लीथल डोज है वो द डोज जो जैसे आपकी डोज है mg है चाहे ग्राम है चाहे kg में है विच इज़ एक्सप्रेस टू किल 50% ऑफ पॉपुलेशन, जो कि ऐसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि एटलीस्ट चलो 50% किल हो जाते हैं एनिमल्स सेम स्पीसीज के, तो वो हमारी एक लीथल डोज है. ठीक है, तो मतलब अगर मान लो कि हमें उसका जो उसका साइड मतलब टॉक्सिक इफेक्ट आया कि हमें मेडिसिन जो हमारी सूटेबल नहीं हुई, तो ऑफकोर्स वो हमारी क्या कोज करेगी, डेथ करेगी, तो उसको हम बोलेंगे लीथल इफेक्ट. ठीक है, तो हमारा जो इफेक्ट जो मीडियन इफेक्टिव डोज है जो इफेक्टिव डोज का इफेक्ट है 50%, उसका मतलब क्या है कि वो जो हमें डिज़ायर रिस्पॉन्स मिलता है 50% हमें डिज़ायर रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कि वो हमारे लिए इफ़ेक्टिव है. ठीक है, तो होप आपको क्लियर हो गया होगा. तभी हमारी ड्रग मार्केट में आती है जब जी हमारा थेरापेटिक इंडेक्स जो है सही निकले. ठीक है, क्योंकि इससे पता चल जाता है कितना हमारी साइड इफेक्ट मिल रहा है और कितना हमें इफेक्ट मिल रहा है मेडिसिन का,
तो इसमें से ही कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे फैक्टर इफेक्टिंग डोज, इसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट इसके नेम पढ़ लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं डोज के। एज कर सकती है, जेंडर से मतलब मेल है या फीमेल है, बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर, एंटागोनिज्म, टॉलरेंस, सेक्स, इमोशनल फैक्टर एंड प्रेजेंस ऑफ डिजीज, अकोमोलेशन, एडिटिव इफेक्ट, सैनर्जम, आइडियोसिंक्रेसी एंड टैकेफाइलेक्सिस। तो ये हमारे फैक्टर अफेक्टिंग है, इसका अलग मैं वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत डिटेल में है, इसको हमें पढ़ना होगा। उससे पहले हमें जो कैलकुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वो हम देखते हैं कैलकुलेशन का, कि देखो जो कैलकुलेशन है वो किसके अकॉर्डिंगली की जाती है, जो यूज़ है ड्रग का चिल्ड्रन में वो कैसे किया जाता है। सपोज मान लो कि आप मेडिसिन जो प्रिपेयर कर रहे हो, तो कुछ बोल देना कि ये न्यूनेट के लिए है, दैट्स मीन कि वो फर्स्ट डे का बच्चा जिसका लाइफ अभी बर्थ हुआ है, 30 डेज हुए हैं बर्थ हुए को, तो उसको हम न्यूनेट से डिनोट करते हैं। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, जो 1 साल का बच्चा होता है, जिसकी एज 1 साल तक होती है, उसको बोलते हैं इन्फेंट, ठीक है। 1 to 5 ईयर का बच्चा होता है वो चिल्ड्रन में आता है, और 6 to 12 का बच्चा होता है वो भी चिल्ड्रन में आता है। इसकी अलग, इन चारों की अकॉर्डिंगली डोज बनाई जाती है बच्चों की, ठीक है। तो हमेशा हम जब मेडिसिन लेने जाते हैं, जहाँ मेडिसिन देते हैं, तो हम अपनी जब लेने जाते तो हम अपनी एज बताते हैं, तो हम अपनी एज बताते हैं। और अगर हम मेडिसिन डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है, उससे पहले हमारी एज पूछता है कि कितनी एज है आपकी, उसके बाद हमें मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब की जाती है। तो वो मेडिसिन्स की कुछ कैलकुलेशंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमें पता होनी चाहिए कैसे कैलकुलेशन की जाती है। जो फर्स्ट है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एज, एज के अकॉर्डिंगली कैसे कैलकुलेशन की जाती है, इसके लिए यंग्स फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथ साथ में हम एग्जांपल भी करेंगे। यंग्स फॉर्मूला है क्या, ये फॉर्मूला उसके लिए है जो बच्चे अंडर 12 ईयर ऑफ एज के हैं, ठीक है। 12 साल तक जो उसके 12 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये मेडिसिन जो है रिकमेंड की जाती है, इतनी डोज, ठीक है। तो डोज कैसे कैलकुलेट की जाती है, जितनी एज है ईयर्स में, जैसे उसके बच्चे की एज है 12 साल ही, ठीक है, चाहे 8 साल चाहे जितनी भी एज है, ठीक है, उसको डिवाइड किया जाता है एज प्लस 12, क्योंकि ये एंड टू 12, अप टू 12 तक हम कर सकते हैं ना, तो 12, उसके बाद इसको किया जाता है मल्टीप्लाई विद द अडल्ट डोज, जितनी अडल्ट डोज है उसका इतना हिस्सा हमने निकाल लेना है। तो जैसे एग्जांपल बताई है, यहाँ पे अडल्ट डोज है हमारी 200 mg, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दी है 200 mg हमारी अडल्ट डोज है, और एज दी है यहाँ पे जो बच्चे की एज दी है वो दी है 8, ठीक है, यहाँ पे एज लिख लो, जो एज है हमारी 8 है बच्चे की, तो क्या आ जाएगा, कितनी एज है 8, यहाँ पे भी एज, और 12 प्लस 12 इंटू हमारी अडल्ट डोज कितनी है 200, ठीक है, तो 200 यहाँ पे लिख लिया, तो हमें हमारी कैलकुलेशन आ गई, हमारी 80 mg किसकी आ गई, मेडिसिन जो हमारी है जंग्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, जो 12 ईयर के अंडर बच्चे आते हैं उनकी डोज, ठीक है। तो ऐसे डोज इसकी यंग्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। याद रखना है यंग्स फॉर्मूला चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर ऑफ एज। और नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे, इसका ही आता है पार्ट, अगर एज के बेस पे हम सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डिलिंग्स फॉर्मूला, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो चिल्ड्रन जो हैं जिनकी एज 4 to 20 ईयर ऑफ एज है, उनका हमें डोज ऑफ चाइल्ड निकालना है, ठीक है, मतलब कितनी डोज उनको देनी पड़ेगी। तो उनकी डोज हम कैलकुलेट करेंगे दोबारा वही अगेन नेक्स्ट फॉर्मूले से, जो है हमारा एज इन ईयर्स, ठीक है, ईयर्स मीन्स कि जितने साल की, साल में जितनी एज है, डिवाइडेड बाय 20 हम इसका फॉर्मूला है इसमें लगाएंगे, और मल्टीप्लाई कर देना है उसको अडल्ट एज, दिस वन इज़ ईजी रेदर देन यंग्स फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला बहुत ईजी होता है और ये प्रेफर भी किया जाता है। तो इसमें अडल्ट डोज जितनी है, एग्जांपल दी है कि अगर आपको अडल्ट डोज 50 mg बताई जाए और एज आपको 16 बताई जाए बच्चे की, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ऑफकोर्स एज इन ईयर्स मीन्स आपकी 16 आ जाएगी डिवाइडेड बाई 20, एंड अडल्ट डोज है हमारी 50, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी जो डोज निकल के आएगी
वो आएगी जो आपके डोज ऑफ द चाइल्ड हैं, जो चिल्ड्रन हैं अंडर फ्रॉम 4 to 20 ईयर्स ऑफ द एज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी, इसके बेस पे एज के बेस पे ही और है, एज के बेस पे ही आती है ये कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एज, जिसको हम कॉलिंग्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये कई बुक्स में नहीं मेंशन होता है, बट आता है, एग्जामिनर पूछ सकता है ये। इसलिए डोज ऑफ चाइल्ड, क्या डोज ऑफ चाइल्ड जो है कितनी, इसको किससे कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लो कि जो एज है हम ईयर में लिख देंगे प्लस वन, वन से प्लस कर देना है इसको, वन प्लस कर देना है वन यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 24 इंटू अडल्ट डोज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगा लिया, अडल्ट डोज 25 mg। ठीक है, और एज कितनी है 15 ईयर, तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये एज इन ईयर्स एंड वन प्लस कर दिया और 24 को डिवाइड कर दिया और जितनी हमारी डोज आई दैट इज़ द डोज ऑफ अ चाइल्ड। सो कितने फॉर्मूले हमने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, कई बड़ी समटाइम बुक में नहीं होता बट ये इम्पॉर्टेंट है और आपको इजी हो जाएगा। तो इसमें आपने देखे होंगे कितने फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, तीन फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है, तीन फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। फर्स्ट है हमारा यंग्स फॉर्मूला, जो कि हमारा 12 ईयर की एज के अंडर जो जितने चिल्ड्रन आते हैं वो आता है। उसके बाद है हमारा डिलिंग्स फॉर्मूला, जो 4 to 20 ईयर्स की एज में वो स्टूडेंट्स का आता है। उसके बाद है हमारा जो हमारा कॉलिंग्स फॉर्मूला, दैट इज़ फॉर डोज ऑफ चाइल्ड फॉर द जो अंडर जो एज जो जितने भी चिल्ड्रन हैं। ऑफ कोर्स जो मैंने बताया आपको चिल्ड्रन जो हैं 4 to 20 आते हैं। ठीक है, तो वो सारे इसके लिए कॉलिंग्स फॉर्मूला जो है उसकी हम डोज जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉलिंग्स फॉर्मूला है कैलकुलेशन करने का, अकॉर्डिंग टू एज के डोज को कैलकुलेट करने का। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं एज जो है बेस्ड अपॉन द बॉडी वेट। ठीक है, बॉडी के वेट के अकॉर्डिंगली मेडिसिन दी जाती है, तो वो कैसे दी जाती है, उसके लिए हमें क्लार्क्स फॉर्मूला लगाया जाता है। क्लार्क्स फॉर्मूला जो वेट इन केजी होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली लगाया जाता है। अच्छा, दो थिंग यहाँ पे मेंशन रखनी है, एक तो केजी से निकाल सकते हैं, एक पाउंड से निकाल सकते हैं। तो केजी में अगर निकालते हैं वेट जो है उसका, डोज ऑफ चाइल्ड क्या है हमारा, चाइल्ड वेट इन केजी डिवाइडेड बाय 70 इंटू अडल्ट डोज। ठीक है, यहाँ पे अडल्ट डोज आपको बताई होगी और वेट भी बच्चे का अडल्ट का वेट भी यहाँ पे आपको मेंशन किया होगा। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगा के क्या निकाल लेना है, जैसे चाइल्ड एज इन केजी कितना वेट है उसका 10। ठीक है, यहाँ पे 10 केजी लिखा है ना, तो डिवाइडेड बाय हम कर देंगे 70 इंटू 100, क्योंकि अडल्ट डोज हमारी 100 है, तो हमारी जो जितनी केजी में डोज निकल के आएगी, तो दिस विल बी द क्वांटिटी ऑफ डोज। तो इसके साथ ही हम पाउंड्स में करते हैं, बॉडी वेट जो है हम पाउंड्स में, क्लार्क का फॉर्मूला ही है इसके, इसमें ही वेट इन पाउंड निकालते हैं। उसमें क्या है, डोज फॉर द चाइल्ड क्या है, चाइल्ड वेट इन पाउंड डिवाइडेड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज। ठीक है, अडल्ट डोज इसमें कितनी आई, 100 mg। ठीक है, वेट कितना है 15 pounds, तो डोज कितनी होगी हमारी, फॉर्मूला लगाएंगे चाइल्ड वेट इन पाउंड्स 15 upon 150 into 100 equal to 100 mg। तो ये हमारा आ जाएगा क्लार्क्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, जो वेट इन पाउंड्स के अकॉर्डिंगली, वेट बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन डोज ऑफ चाइल्ड की। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं इसका ही जो है हमारा, ये हम कर चुके हैं ए कॉलिंग्स फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है हमारा कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया। तो कैलकुलेशन जो है वो किसके बेस पे है, जब मैं स्टार्टिंग करती हूँ ना, तो इस पर ऐसे आप सॉरी यहाँ पे क्लिक करके, तो इसको पॉज करके, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, क्योंकि मैं बाद में इसको फिर भी मैं आपको टाइम दूंगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो क्योंकि इसमें एग्जांपल दे के भी बता दिया है मैंने, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। कैलकुलेशन जो है बेस्ड ऑन है बॉडी सरफेस एरिया के, तो परसेंटेज ऑफ अडल्ट डोज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट इंटू 100। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा के
इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करेंगे, जितना सरफेस एरिया चाइल्ड का होगा जितना एरिया अडल्ट का होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के, वो परसेंटेज निकल जाएगी हमारी अडल्ट डोज की। और उसका बॉडी वेट जो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, अब बच्चे ये कन्फ्यूज़ हो जाते थे, ऑफकोर्स उसकी हाइट और उसका वेट जो है बच्चे का अडल्ट का जब बच्चे का, तो वो उसकी हाइट के अकॉर्डिंगली और उसके वेट के अकॉर्डिंगली हम उसकी बॉडी सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा यहाँ यही बस इतना ही था इसका फॉर्मूले जो थे। तो ये आपने अगर आपको समझ आई हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर देना कि हाँ क्लियर समझ आ चुका है आपको, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो भी फीडबैक दे देना, मुझे पता चल जाएगा कि कोई प्रॉब्लम है आपको और मैं वहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। और आप क्या इसमें क्लैरिटी किसकी चाहिए आपको वो आप बता सकते हो मुझे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट पार्ट विल बी बेस्ड ऑन इट्स फैक्टर अफेक्टिंग जो है डोज ऑफ ड्रग के फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं फॉर द हमारे जो पेशेंट के लिए जो ह्यूमन बींग के लिए, और कुछ वेटनरी के भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं उस पर भी हम स्टडी करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट ये था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू।